who are responsible for the naming, okay, scientific naming of plant and animal. So International Code of Zoological Nomenclature and International Code of Botanical Nomenclature. आज हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर के लिए कैसे कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. ओके, क्यों नेमिंग दिया, उसका पर्पस यही है कि लोकल रीजनल लैंग्वेज जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्बली टॉक के लिए, उसी तरीके से कुछ लोकल नेम होते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लोकल नेम से ही जाना जाएगा तो उसके कई सारे नाम हो जाएंगे, इसलिए उसका कोई एक स्टैंडर्ड नेम हो, ओके, उसको देखना है हमें. एनसीईआरटी पेज नंबर, बेटा हम एनसीईआरटी तो लिया नहीं है, पेज नंबर किसी को पता है तो बताओ. फर्स्ट चैप्टर में देखो ना, अभी तो दो तीन पेज ही आगे गया होगा, आपको ये चीज बोल्ड में लिखा होगा एनसीईआरटी में, उससे आप पकड़ो. मिला, सिक्स, पेज नंबर सिक्स. ओके चलो देखो, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज हैज ओनली वन नेम. तो पहली इंश्योरिटी इस चीज की है कि एक ऑर्गेनिज का एक ही नाम. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. अगर आप ऑलरेडी डिस्कवर्ड की डिस्क्रिप्शन से आप फॉलो करोगे तो डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन एंड देन रिकॉर्ड को चेक करोगे तो वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने तक वो उस सेम नेम तक पहुंच सकते हैं. जो डिस्कवर कर रहा है, जो उसके बारे में पढ़ना चाहता है, वो उसी सेम नेम तक पहुंचेगा. दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज. ऑलरेडी जो गिवन नेम है वो किसी दिए हुए ऑर्गेनिज का नहीं हो सकता है. तो टैक्सोनॉमी अभी तक जो हम लोग कल से देखना स्टार्ट किए थे उसको अगर हम समराइज करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ नेमिंग डिस्क्राइबिंग and classification of all living organisms including plants and animals. इसको बोलते हैं taxonomy. Okay, taxon हर एक यूनिट को, हर एक हायरार्की को, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हर एक हायरार्की को टैक्सॉन कहते हैं. तो टैक्सॉन की स्टडी, टैक्सॉन का अरेंजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी आ जाता है ब्रॉडर वे में टैक्सोनॉमी के अंडर बेटे. तो स्टेप्स क्या हुए इसके, कैरेक्टराइजेशन, आपने कुछ कैरेक्टर्स को देखा, बताया, देन आइडेंटिफाई हो गया कि वो ऑर्गेनिज क्या है, देन उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. ओके बच्चा, आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक टू टैक्सोनॉमी. कैरेक्टराइजेशन, आपको नेम समझ में आ रहा है, कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स को देखना. आइडेंटिफिकेशन, ऑलरेडी नोन है तो उसको आइडेंटिफाई करना, नहीं नोन है तो उसकी नेमिंग आइडेंटिफिकेशन के करीब जाना है जो कि ऑलरेडी सिमिलैरिटीज को शो कर रहा है. क्लासिफिकेशन, आप जब सिमिलैरिटी को मैच करते हो तो उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो एंड देन फाइनली नेमिंग कर देते हो. ओके बच्चा, तो ये हमारा हो चुका है कवर. तो साइंटिफिक नेम का देखेंगे हम लोग. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म. Each name has two component. ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, एक जीनस का नेम होता है एंड एक स्पीसीज का नेम होता है. तो जीनस के नेम को बोलते हैं जेनेरिक, जेनेरिक नेम और जेनेरिक एपिथेट, एपिथेट. एंड स्पीसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, स्पीसीज का नेम या स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट. तो ऑब्वियसली जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, दैट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तभी आप उसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर साइंटिफिक नेम है तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा. फर्स्ट वन इज जेनरिक विच इज नेम ऑफ जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक जनरल. एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज आ सकते हैं बेटा, दैट्स वाई जेनेरिक नेम क्या हो गया, उसका जनरल नेम. ओके, जैसे होमो सेपियंस है तो होमो इरेक्टस भी है. ओके बच्चा, लेकिन होमो सेपियंस एक स्पीसीज है और होमो इरेक्टस अनदर स्पीसीज है, लेकिन दोनों ही होमो जीनस के अंदर आते हैं. तो अभी आपको बस इतना समझना है कि जेनेरिक नेम जनरल हो गया एंड स्पेसिफिक नेम उसका पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम हो गया. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम
विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर. बाई मीन्स टू, नेमिंग के लिए नॉमियल नॉमिनक्लेचर. ठीक है, दो कंपोनेंट में, टू पार्ट में जो आपने नेमिंग सिस्टम दिया उसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर, और यही एक्सेप्टेबल है बेटा. दिस नेम सिस्टम इज गिवन बाय, अब ये आप मार्क कर लो, कैरोलस लिनियस पूछे जाते हैं. ठीक है, कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. आपको बेसिक लेक्चर में मैंने इनका नाम दिया हुआ है. इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सभी बायोलॉजिस्ट इसी सिस्टम को नेमिंग के लिए फॉलो करते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम यूजुअली अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. दो वर्ड का फॉर्म कैसे हुआ बेटा, मतलब वही स्पीसीज और जीनस. ओके, ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट. अगेन सेम चीजें हैं, अलग अलग स्लाइड में मैंने इंफॉर्मेशन आपको, ताकि इजी वे में आप बुलेट फॉर्म में उसको लिख सको, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कभी कभी. तो जेनरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पेसिफिक नेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो दो पार्ट में है, दो कंपोनेंट में है, उसको आप बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर कहते हो. और इसी का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है उसमें ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर आता है, जब आप सब स्पीसीज को भी इंक्लूड करते हो. जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, हमारा पूरा नाम क्या होता है बेटा, हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस. दो बार सेपियंस आता है, तो एक सेपियंस यहाँ पे, एक सेपियंस यहाँ पे स्पीसीज है, और दूसरा सेपियंस यहाँ पे सब स्पीसीज है. तो इस तरीके के तीन कंपोनेंट हो गए, तो उसको ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर कहते हैं. ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर आपको नहीं पढ़ना है, तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया. इज इट क्लियर? अगेन एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको समझने के लिए. यहाँ तक की बातें आपको समझ में आया? बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर दो पार्ट, फर्स्ट इज जीनस, सेकेंड इज स्पीसीज. ठीक है, जेनेरिक एपिथेट यूज फॉर द जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट यूज फॉर द स्पीसीज. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर्या, अथर, ईरा, जिहाना, मैत्रेय, प्रमेश, रोहन, सफा, सानिका, शायना, श्रेयस, सिद्धि, सोहिनी. क्लियर है बेटा? कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये, इसलिए मैंने बोला एकदम इजी गोइंग में इस चैप्टर को पढ़ो. ओके, यही सब क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो. ओके, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. अब आपको पता है मैंगो की बहुत सारी प्रजातियां हैं. ठीक है, आप ही जानते हो, हाफूस, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, इस तरीके के आप नाम बोलते हो ना, लेकिन उनकी स्पीसीज है, वो उनकी सब स्पीसीज है बेटा. लेकिन वो पूरा आप स्पीसीज में क्या बोलते हो, मैंगो इज अ स्पीसीज. तो किसी भी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका. और जब ट्राइनोमियल में लिखेंगे तो उसके पर्टिकुलर स्पीसीज आगे आ जाएगी, सब स्पीसीज आ जाएगी. तो साइंटिफिक नेम आपको दिया हुआ है, अंडरलाइन करना, डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन आया था एक बार, ध्यान देना है. दिस इज जीनस, दिस इज स्पीसीज. ठीक है, स्पीसीज और जीनस, उसमें करा था कि स्पीसीज जीनस और सीक्वेंस ये दिया हुआ था, तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट यही पकड़ लेते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन उसमें सीक्वेंस उसने मांगा था स्पीसीज और जीनस का, तो आंसर था इंडिका मैंगीफेरा. तो क्वेश्चन भी ध्यान से हमें सुनना है, पढ़ना है मतलब वहां पे. ठीक है, जीनस को अगर पहले लिखने को बोला है तो आपको जीनस लिखना होगा, स्पीसीज बोला है तो स्पीसीज लिखना पड़ेगा. तो मैंगो का साइंटिफिक नेम बेटा अंडरलाइन कर लेना, मैंगीफेरा इंडिका. लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम. एक्सप्लेन कर रहे हैं वो. इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस और जेनरिक एपिथेट, व्हाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट. ओके बच्चों, क्लियर है? तो दो पार्ट हो गए इसके, पहला पार्ट मैंगीफेरा जीनस एंड सेकेंड पार्ट इज स्पीसीज इंडिका. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमिनक्लेचर आर एज फॉलोज. बेटा ये रूल्स के आपको लिस्टिंग करके दे देते हैं, और उस टाइम वो आपसे पूछेगा कि इसमें से करेक्ट रूल क्या है, इनकरेक्ट रिलेटेड क्या है. ओके, तो ये उसी की समरी है, बट मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी ले रही हूँ आपको, ताकि आपको वो नंबर आपके एनसीईआरटी बुक में दिख रहा होगा, तो आप उसको क्लियरली अंडरलाइन करो. फर्स्ट नंबर रूल का क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. मैंने बेसिक में आपको बताया देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ
लैंग्वेजेस विच आर डेड लैंग्वेज, उसमें नए वर्ड नहीं ढूंढे जा सकते, तो लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इनसे जो डेफिनेशन, जो वर्ड दिए जाते हैं वो बहुत फिक्स होते हैं. इंग्लिश में, इंग्लिश अभी डेड लैंग्वेज नहीं है, नए नए वर्ड यहाँ पे एड हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लैटिन वर्ड में इनकी नेमिंग की गई है. रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स आप समझते हो, जो आप कर्सिव वैसे बोलते हो ना, दैट इज इटैलिक्स. अभी ध्यान से देखो, मैंगीफेरा इंडिका जब मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो मैंने इसको इटैलिक्स किया हुआ है. ठीक है, आपके बुक में भी इटैलिक्स में होगा ये. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. कहीं पे भी ओरिजिन हो, कहीं पे भी डिस्कवरी है, लेकिन उनका जो नेमिंग सिस्टम है दैट इज लैटिनाइज्ड. फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, रूल में ये है कि लैटिन वर्ड से उसका नाम होना चाहिए. द वर्ड फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल, सेकेंड रूल देखो, नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीसीज. अभी बताया भी था मैंने. थर्ड रूल क्या कहता है, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अब ये ध्यान रखना, जब आप हाथ से अपने नोट्स में लिखोगे, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. जैसे ये पूरा लाइन लिखा है बेटा, इस पूरे लाइन में अगर आपको नाम लिखना है मैंगीफेरा इंडिका, तो आप उसको कैसे लिखोगे, मैंगीफेरा इंडिका. अब आप लिखते वक्त इसको इटैलिक्स सभी लोग नहीं कर सकते, सबकी राइटिंग हो सकता है ना हो, तो आपको क्या करना है इसको, कि ये लैटिन ओरिजिन का है और ये साइंटिफिक नेम है, आपको दो अलग अलग लाइन से, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, सेपरेटली अंडरलाइन, मार्क कर लेना इसको, दो अलग अलग लाइन से ही आप जब लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं. अगर आपने ऐसे लिख दिया कि हमने साइंटिफिक नेम लिख के अंडरलाइन किया, दिस इज द रॉन्ग. इज इट क्लियर? तो बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप उसको पेन पेंसिल पेपर से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, और अगर वो प्रिंटेड है तो उस प्रिंट को आप कमांड दे दोगे कि उसका नाम जहां है वो इटैलिक्स में हो जाए, थोड़ा टिल्टेड लेटर रहेगा. इज इट क्लियर? किस पर्पज, पर्पज क्या है, इससे रिप्रेजेंट होता है कि वो लेटर जो वहां पे वो जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज लैटिन इन ओरिजिन. फोर्थ रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. अब देखना, अभी मैंगीफेरा इंडिका जब लिखा था तो एम कैपिटल से लिखा था, आई स्मॉल से लिखा था, तो ये अंडरलाइन कर लेना. व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. और ये नोट्स बनाते वक्त भी बेटा आप लोग ध्यान देना, मिस्टेक होती है इस पे मार्क्स फिर कटते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. चलो मैं चारों रूल को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, सुनो. लैटिनाइज्ड वर्ड है, ओके, लैटिन के डिस्कवरी में आप डिक्शनरी में आप जाओगे देखने तो आपको मैंगीफेरा और इंडिका वर्ड मिलेंगे, ओके. लैटिन ओरिजिन से है, जब आप लिखते हो तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस का है, सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज का है, ये भी रूल करेक्ट है. द फर्स्ट वन इज द रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. थर्ड पॉइंट कहता है कि बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. तो ये हैंड रिटन है नहीं, ये तो प्रिंटेड फॉर्म में जा रहा है, पेपर पे आपका प्रिंट है, तो मैंने इसको क्या लिया बेटा, इटैलिक्स किया हुआ है. आपको इसके फॉन्ट में और इसमें डिफरेंस दिख रहा है, अपनी बुक में भी देखो दिख रहा है, ओके गुड, फास्ट अप्लाई करो जरा. और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था, कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी स्मॉल. तो एम को देखो और आई को देखो बेटा, और छोटी छोटी इस तरीके से नोट्स बना लो यहीं पे, इट शुड बी कैपिटल, इट शुड बी स्मॉल. ये रूल है, ये हम नहीं बता रहे, ओके, वेरी गुड. अब एक कहानी और है कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन इज नॉट द सब स्पीसीज, ये ध्यान देना है आपको. नेम ऑफ द ऑथर, अगर ऑथर का नेम दिया होगा कि किसने उसको डिस्कवर किया है, ऑब्वियसली बेटा कोई डिस्कवरी होती है तो कोई क्लेम करता है कि मैंने ये डिस्कवरी की है और उसको वेरीफाई किया जाता है, तो फिर उसको पर्टिकुलर
साइंटिस्ट को, पर्टिकुलर रिसर्चर को उसका क्रेडिट मिलता है। ओके बेटा, तो एक साइंटिफिक एपिथेट में नेमिंग को लिखने का तरीका और है, नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो सीक्वेंस में ये इस तरीके से आपसे पूछेगा कि इसको कैसे अरेंज करना है। ओके, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम के एंड में, एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। पूरा नेम तो साइंटिस्ट क्या लिखेंगे? नहीं बेटा, तो मैंगी फेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, उनके नेम के लिए, उनके साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट के नेम के लिए यहाँ पे लिन यूज किया गया, LINN, और उसको इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, इट शुड बी रिटन इन नॉर्मल फॉन्ट। ओके बच्चा, क्लियर है? तो हमने बताई आपको कहानी, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन कुछ नाम आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, कोबरा, नाग, कोबरा, ठीक है, नाजा, नाजा। तो फर्स्ट जो भी आपको ये फर्स्ट दिख रहा है बेटा, ये सभी क्या होंगे? उसके जीनस नेम है। ओके, देखो अभी यहाँ पे देखो तुम, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पेडस, लेपर्ड, टाइगर, लॉयन, तीनों का जीनस क्या है? पैंथेरा। तो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आपने देखा होगा लायन, लेपर्ड, टाइगर, इनका इनका जो आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, जो फीचर्स देख रहे हो, वो काफी क्लोजली रिलेटेड है, समझ रहे हो ना बेटा, है ना? तो जीनस कॉमन हो गया, तो जीनस इज जेनरिक, जनरल है, एंड स्पीसीज इज स्पेसिफिक, तो इस साइड आप देख सकते हो स्पेसिफिक एंड दिस इज जेनेरिक। ओके बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ये अलग अलग चैप्टर में आपको इनके नाम आएंगे, आपको अर्थवर्म पढ़ना है, आप डॉग पे कुछ स्टडीज देखोगे, कॉकरोच पढ़ना ही पढ़ना है, कोबरा तो ऐसे एनिमल किंगडम में पढ़ लोगे आप, लायन टाइगर अभी यहीं पे मिलेगा आपको फर्स्ट चैप्टर में, लेपर्ड भी मिलेगा, हनी भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर एपिकल्चर में भी आपको पढ़ना है हाउस फ्लाई। तो इसका इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है इनको टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट देना कि किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हो। तो नेमिंग हो गया, क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन में हमें जाना पड़ेगा, और उसी सिस्टम को, ओके, उसी सिस्टम को जब आप अरेंज करते हो तो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ये एडवांस फॉर्म है, टैक्सोनॉमी का एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन आप समझ लो। ओके, अपग्रेडेड किस सेंस में? इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म स्टडी किया जाता है, कौन किससे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है, दैट स्टडीड टेक्स प्लेस अंडर द सिस्टमैटिक्स नॉट टैक्सोनॉमी। इज इट क्लियर? टैक्सोनॉमी के अंडर में ये नहीं आएगा, ये जैसे ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा तो वो वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टमैटिक्स में। ये डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बेटा, नोट कर लेना कहीं पे। तो सिस्टमैटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली कैरेक्टराइजेशन रहेगा ही, पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, देन आइडेंटिफाई, देन नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफाई। सिस्टमैटिक्स ऑल्सो इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, वर्ड सिस्टमा लैटिन है, सिस्टमा अगेन लैटिन डिक्शनरी से आया हुआ वर्ड है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप जैसे अपने कबर्ड में कपड़ों का अरेंजमेंट करते हो, अपने बुक शेल्फ में कॉपी बुक का प्रॉपर अरेंजमेंट रखते हो, ठीक है, किचन में कई सारे बॉक्सेस का अरेंजमेंट, आपका घर एक प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रहता है बेटा, उसी तरीके से जो इतना वास्ट रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके बच्चा, अगेन
लीनियस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लीनियस ने जो बुक लिखी थी दैट इज सिस्टमा नेचुरे, ऑलरेडी 7-8 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, कई बार आया है नेट, बुक का नेम पूछता है। सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, जो उन्होंने स्टडी की, जो उन्होंने समराइज किया, उसको उन्होंने क्या वर्ड दिया, क्या ग्रुप दिया? सिस्टमा नेचुरे। ओके बच्चा, अब टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी आप देख रहे हो तो टैक्सोनॉमी की हायरार्की, जब आप क्लासिफिकेशन बोलते हो तो जनरल जो वर्ड यूज होता है दैट इज टैक्सोनॉमी। ओके, क्लियर है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। सिंपल बेटा, पहला लाइन ही पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ये। हर एक स्टेप को, हर एक हायरार्की को आप क्या बोलते हो? टैक्सॉन, ग्रुप, रैंक, कैटेगरी। ओके, ध्यान से सुनना। चलो पहले मैं थोड़ा इमेज दिखा के तुम्हें बात करती हूँ। जैसे तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, देयर इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट एंड किंगडम इज लार्जेस्ट। ग्रुप, कैटेगरी, टैक्सॉन, कुछ भी कहूं मैं यहाँ पे, एक एनिमल किंगडम के अंदर दुनिया भर के सारे एनिमल्स आते हैं बेटा। एक प्लांट किंगडम के अंदर दुनिया भर के सारे प्लांट्स आ रहे हैं। मोनेरा के अंदर दुनिया भर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो दिस इज द लार्जेस्ट हायरार्की में सबसे टॉप पे जो किंगडम है वो लार्जेस्ट ग्रुप हो गया। एंड जो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दिख रहा है आपको, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इनका ऑर्डर पूछता है, अरेंजमेंट पूछता है, और जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो पूछते हैं। चलो अभी फटाफट देखते हैं। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल कैटेगरीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह लो, पूरे हायरार्की को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह लो। उन्हीं कैटेगरीज को जब आप बंच करते हो और एक स्टडी करते हो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, और आपको याद हो कि मैंने आपको बेसिक्स में डोमेन के बारे में भी बताया था, तो डोमेन टू स्पीसीज भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कंप्लीट सेट। ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है बेटा? टैक्सॉन। दिस इज अगेन एमसीक्यू, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक एमसीक्यू ये है। दूसरा, आपकी हायरार्की 7 कैटेगरी, उसकी सीक्वेंसेस, ठीक है। सीक्वेंस आपको एकदम ऐसे याद होना चाहिए, जैसे लिखो हम लिख रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, होगी तो भी आपको ट्रिक से नहीं पढ़ना है बेटा। ओके, इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देयर आर 7 ब्रॉड कैटेगरी। एक कैटेगरी को आप क्या बोलते हो? टैक्सॉन। सारी कैटेगरी को आप क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहां तक बातें क्लियर है बच्चे? क्लियर है? वेरी गुड। सीक्वेंस आप देख लो, सीक्वेंस आपको याद रखना है। मैं कई सारी इमेजेस दिखा देती हूँ यहाँ पे, उस सीक्वेंस को आप आज देख लेना अच्छे से। तो स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज फॉर्म जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली फॉर्म ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर्म क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फॉर्म फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम फॉर्म किंगडम। क्या बोला मैंने अभी, समझ में आया? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं जीनस। जैसे अभी पैंथेरा का एग्जाम्पल दिया, होमो का एग्जाम्पल दिया। क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक ग्रुप बनाते हैं फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली एक ऑर्डर में, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लास में। कहाँ पे आप ग्रुपिंग करते जाओगे? क्लास को फाइलम में,
फाइलम को किंगडम में। ओके बच्चा, डिविजन यूज करते हैं वर्ड प्लांट के केस में, फाइलम वर्ड यूज करते हैं एनिमल के केस में। इतनी कहानी समझ में आई सबको? इसलिए मैंने आपको बहुत पहले कई बार बात बता चुकी हूं मैं कि जो एग्जिस्टेंस है दैट इज अबाउट द स्पीसीज, बाकी सब ऑन पेपर, जीनस ऑन पेपर, फैमिली ऑन पेपर, ऑर्डर ऑन पेपर, क्लास ऑन पेपर, फाइलम ऑन पेपर, किंगडम ऑन पेपर। ये जिस तरीके से बता रही हूँ ना बेटा, इसी तरीके से आप याद रखो अपने माइंड में, तो ये बहुत ईजी रहेगा। मेरे टाइम में भी मुझे ये याद नहीं होते थे कि सिक्वेंस क्या है, इनका है क्या, एक्चुअली ये है क्या, यही नहीं पता चलता है। आप पढ़ते रहो है ये कि जो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं बस उसको डिकोड कर दो। आप ह्यूमन हो तो यू आर ए स्पीसीज, आप कैट देख रहे हो कैट इज ए स्पीसीज, डॉग देख रहे हो डॉग इज ए स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीनस में, क्लोजली रिलेटेड जीनस एक इमेज में और दिखाती हूँ, ये तुम लोग रीड करना जो हम बोल रहे हो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलर ऑर्डर आर प्लेस टूगेदर इन अ क्लास, मेनी क्लासेस विद सम कॉमन कैरेक्टर आर इंक्लूडेड इन फाइलम, ओके सेम फाइलम रिलेटेड फाइलम इंक्लूडेड इन अ किंगडम। कभी आप ये फनल लाइक स्ट्रक्चर देखो, ये रिवर्स चलेगा आपको, ठीक है? इस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हो, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम। अब इसके सीक्वेंस पूछते हैं बेटा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, तो आपको किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाना है। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई शर्माने की जरूरत ही नहीं है, लिख लो। लोअर टू हायर पूछेगा तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाना है। ओके बच्चा, अब ये देखो आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरत क्लासिफिकेशन दी हुई है, किसकी, आपकी खुद की, होमो सैपियंस की। तो हम लोग किस किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया में, एनिमल्स एनिमेलिया, साइंटिफिकली एनिमेलिया ही बोलते हैं। फाइलम क्या है, कॉर्डेट कॉर्डेटा। क्लास क्या है, मैमल। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। फैमिली क्या है, होमिनिडी। जीनस क्या है, होमो। स्पीसीज क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, मतलब सैपियंस आएगा। ओके बच्चा, इज इट क्लियर, वेरी गुड। सबको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा, इन सब में टाइम नहीं लगना है, ये तो एक एक बार में पढ़ के पैकअप करके आगे बढ़ना है। तो टैक्सा फाइलम इज यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन, वेयर एज डिवीजन इज यूज्ड इन प्लांट क्लासिफिकेशन। अभी मैंने बताया आपको, आप एक हायरार्की यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो आप फाइलम लिखोगे या तो आप डिवीजन लिखोगे, दोनों एक साथ नहीं लिखना है बेटा, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसके बाद इसमें कई सारे होते हैं, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, सब स्पीसीज, वो सब 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 आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल एक एक ग्रुप पढ़ना है। ओके, तो स्पीसीज आपका क्या हो गया, लोवेस्ट हायरार्की या लोवेस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। लोवेस्ट सबसे छोटी इकाई, टैक्सोनॉमी की क्या है, टैक्सा फाइलम इज यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन वेयर एज डिविजन इज यूज्ड इन प्लांट क्लासिफिकेशन। स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सॉन, इस टैक्सो कैटेगरी रैंक ग्रुप रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, और हर एक यूनिट क्या है, हर एक ग्रुप क्या है, एक टैक्सॉन है। एम आई क्लियर विद दैट, दिस इज अ टैक्सॉन, दिस इज अनदर टैक्सॉन, दिस इज अनदर टैक्सॉन, दिस इज टू, दिस टू, दिस टू, दिस टू, एंड ऑल आर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर है बच्चा? बस अभी हम ज्यादा क्लास लेंगे नहीं आज, आज आपको बस ये सीक्वेंस ही क्लियर रहना चाहिए। इतना समझ में आया आपको? चलो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाफट रिप्लाई करना तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये लिखा है पैंथेरा लियो, जो कि साइंटिफिक नेम है लायन का। ओके बेटा, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। बताओ मुझे इसमें स्पीसीज क्या है और जीनस क्या है। ए और बी में डेनोट कर दे रही हूँ, ए
और बी में विच वन इज स्पीसीज एंड विच वन इज जीनस? फास्ट रिप्लाई, ए इज जीनस, बी इज स्पीसीज, ए इज जीनस, बी इज स्पीसीज। ओके वेरी गुड, क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है। वही मैं बोल रही हूँ ना, ये सब कोई चीजें बहुत टफ होती नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से तो ऑल इंडिया सभी सिलेक्शन निकाल के आते, करके आते क्वेश्चन। हाँ बेटा करेक्ट है, ओके। अब आप वहां पे एनसीईआरटी में देखोगे, आपको स्पीसीज और जीनस दिया हुआ है। स्पीसीज क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ओके, द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, टैक्सा स्पीसीज हैज द वनली रियल एग्जिस्टेंस। स्पीसीज का रियल एग्जिस्टेंस होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, देखो बेटा जो रियल एग्जिस्ट कर रहा है वही रिप्रोड्यूस करेगा, तो इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी किसमें होगी? जीनस में नहीं होगी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। स्पीसीज इंटरब्रीडिंग को शो करते हैं क्योंकि वही रियल है। ये टर्म यहाँ पे मार्क कर लो, रियल, इंटरब्रीडिंग, क्लोजली रिलेटेड, फंडामेंटल सिमिलरिटीज, सारे ह्यूमन है, भले ही वो अमेरिका के हो, ब्रिटिशियन हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका के हों, केन्या के हों, कहीं के भी जंगली हों, रहेंगे वो ह्यूमन ही, तो सभी क्या होंगे बेटा? होमो सेपियंस। फंडामेंटल उनकी क्या हो गई? सिमिलरिटीज हो गई। अब उनके कल्चर से, उनके रहने से, उनके एनवायरमेंट से, वो काले गोरे जिस भी तरीके के हो सके, ठीक है बेटा। चलो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं आज का लेक्चर। आप लोग एक बार ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला पूरा सिक्वेंस पढ़िएगा, समझिए इसको, ठीक है, सीक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस को समझिए, किस तरीके से फ्रेम होता है, विच इज टैक्सोन, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, विच इज द लार्जेस्ट वन, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, व्हाट इज द अरेंजमेंट। एक पॉइंट और नोट कर लो, जो लार्जेस्ट वन होता है वहां पे जनरल फीचर्स हैं, ठीक हो, सुनो, जैसे सुनो तुम लोग कि अगर हम किंगडम बोले तो किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, एनिमल के कुछ जनरल फीचर है वो यहाँ पे देखे जाते हैं, स्पेसिफिसिटी वाले फीचर्स नहीं देखे जाएंगे। तो टॉप रैंकर जो होते हैं वो जनरल फीचर, मतलब फ्यू कैरेक्टर कॉमन होंगे उनमें, फ्यू कैरेक्टर, समझ में आई बात? और जो स्पीसीज होते हैं वहां पे फ्यू कैरेक्टर नहीं होते हैं, मोर सिमिलर फीचर, मतलब कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है कंपैरिजन में। अगर मैं आपको एक सिंपली बोलूं तो यहाँ पे आप 100 कैरेक्टर देख के आपस में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देख रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10 कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे जो कॉमन है, तो दिस इज कॉमन एंड दिस इज स्पेसिफिक। ये बात भी समझ में आ गई? जब आप स्पेसिफिसिटी के साथ देखते हो तो आपको कई सारे, देखो आप जितना आप कॉर्डेटा में देखोगे आपको कई सारे सिमिलरिटीज दिखती जाएंगी। चलो आप सीक्वेंस को जरा एक बार रिवाइज करना, अच्छे से समझना और रिलैक्स रहो थोड़ा, इवनिंग टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने डेली का जो रूटीन था उसको अच्छे से पढ़ो, सारी क्लासेस को रिवाइज करो, बायो को आज लाइटली ले लो, बायो के ऑलरेडी टास्क गिवन है उनको कंप्लीट करो, बायो मॉलिक्यूल सेल साइकिल सेल, एंड कल मॉर्निंग में एक अच्छा लेक्चर इसके ऊपर देखते हैं फिर। चलो बेटा बाय बाय बाय, टेक केयर।